नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बेलपत्र प्लांट के बारे में बताऊंगा कि आप उस पर किस तरह से दनादन फल पा सकते हैं। इससे पहले मैं अपना बेलपत्र का प्लांट दिखा देता हूं कि इस पर कितनी मात्रा में फल लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, इसकी हेड टहनी पर फल लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फल लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, हेड टहनी पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, जिससे कि मेरे प्लांट की टहनियाँ नीचे झुक गई हैं वजन के कारण। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच, छः छः, सात सात फल एक साथ लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया जिससे इतनी मात्रा में फल लगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जो भी नए दोस्त हैं उनसे आग्रह है कि वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एवं बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो लेकर आऊँ उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, इस प्लांट पर फल लगने का राज क्या है यह मैं अब आपको बताऊंगा। जब इस पर फल लगते हैं तब मैंने इस पर 3:1 में सुपर सिंगल फास्फोर व यूरिया इसको दी थी, और वो यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट इसको मैं हर महीने उपलब्ध करवाई, जिससे कि मेरे फल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगे और एक भी फल नीचे नहीं गिरा। इस प्लांट पर फल लगभग 10 से 11 महीने में पकते हैं, जो कि मार्च और अप्रैल में पककर तैयार होंगे। तो दोस्तों, अब आपको आप भी अपने प्लांट में वर्मी कंपोस्ट खाद और सुपर फास्फेट व एक मात्रा में यूरिया देनी है। यानी कि हम 1 चम्मच यूरिया देंगे तो उसमें 3 चम्मच SSP की मिलाएंगे, यानी सिंगल सुपर फास्फेट की मिलाएंगे। ये एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो पेड़ में ज़्यादा नाइट्रोजन बनेगी और जिससे हमारा प्लांट पीला पड़ जाएगा। इसलिए उतनी ही मात्रा में यूरिया देनी है जितनी की इनको आवश्यकता है। अगर 1 चम्मच यूरिया की देंगे तो उसमें हम 3 चम्मच SSP को मिलाएंगे, जिससे कि हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बड़े होंगे। उसमें नाइट्रोजन भी उपलब्ध हो जाएगी, फॉस्फोरस भी उपलब्ध हो जाएगी, पोटाश भी उसमें कुछ मात्रा रहती है, सल्फर की भी रहती है, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही अच्छी गति से बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे फल लगे हुए हैं। मेरे पास ये छोटी क्वालिटी वाला फल का प्लांट है। कई प्लांटों में बड़ी क्वालिटी के भी फल लगते हैं। जितना छोटा फल लगेगा उतना ही ज़्यादा इसमें रस की मात्रा अधिक होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एवं अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे कि वो भी उनको फ़ायदा मिले एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।